अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आलू बैंगन की रेसिपी। बहुत मज़ेदार बनते हैं और बहुत आसान है इसे बनाना। तो यहाँ पे हमने लिया है हाफ कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है और इसमें अब हमने डाले हैं 2 बड़े साइज़ के प्याज। इन्हें हम सॉटे कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक, इसे ज़्यादा नहीं करेंगे, हमें इसका कलर नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए प्याज हमारा फ्राई हो गया है, इसका कलर बिल्कुल भी नहीं आया। अब हमने इसमें डालना है लहसुन और अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे। पेस्ट डालने के बाद हमने इसे 2 मिनट तक कुक करना है ताकि जो इसकी लहसुन की स्मेल है ख़त्म हो जाए। अच्छा, कुछ लोग लहसुन और अदरक का पेस्ट नहीं डालते आलू बैंगन में, हमने ऐड किया है क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है आलू बैंगन में। तो 2 मिनट तक हमने इसे सॉटे करना है, ज़्यादा नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमने 2 मिनट तक इसे फ्राई किया है, इन दोनों का कलर ही चेंज नहीं हुआ, हमें इसका कलर नहीं चाहिए। अब हमने इसमें ऐड करने हैं टमाटर। यहाँ पे हमने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, इन्हें काट लिया है। 3 मिनट तक हम इसे भी कुक करेंगे, उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, 3 मिनट तक हमने इसे कुक किया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। नमक ऐड किया है 1 टेबल स्पून, सुरख लाल मिर्च ऐड की है इसमें 1 टीस्पून, हल्दी ऐड की है इसमें 1 टेबल स्पून, यहाँ पे हमने इसमें ऐड किया है सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स इसमें ऐड की है 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड की है कश्मीरी लाल मिर्च। एक तो इससे कलर अच्छा आएगा और दूसरा इससे फ्लेवर भी अच्छा मिलेगा हमें। कुछ लोग कहते हैं कि कश्मीरी लाल मिर्च बस कलर को इन्हेंस करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें स्पाइसेस भी होते हैं। हमने इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाली हैं, इसीलिए हमने इसमें 1 टीस्पून ही कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है ताकि हमारे स्पाइसेस ज़्यादा ना हो। तो आप भी देख के ही डालिएगा इसमें। तो यहाँ पे अब हम मसाले की अच्छी तरह भुनाई कर रहे हैं। मसाला अच्छा भुना होगा तो हमारी सब्ज़ी भी बहुत मज़े की बनेगी। यहाँ पे देखिए हमने बहुत अच्छी तरह मसाले की भुनाई की है। अब हमने इसमें बैंगन डालने हैं, हमने इसके क्यूब्स में कटिंग की है छोटे छोटे, या आपकी मर्जी है आप इसे किस तरह से कट करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमने बैंगन की स्किन पूरी नहीं उतारी, कहीं कहीं से उतारी है। कुछ लोग पूरी उतार लेते हैं, कुछ लोग नहीं भी उतारते, तो ये आपकी मर्जी है। अगर आप पूरी उतारना चाहते हैं पूरी उतार लें, अगर नहीं भी उतारना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, हमने इसलिए किया है, ज़रा सब्ज़ी हमारी कलरफुल हो जाएगी और अच्छी भी लगेगी दिखने में। तो एक बार हम बैंगन को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हमने इसमें ऐड किया है लेमन जूस 2 टेबलस्पून, लेमन जूस ही हमने इसमें ऐड किया है। कुछ लोग विनीगर ऐड कर देते हैं, गलती कर देते हैं कि लेमन जूस भी वही है और विनीगर भी, लेकिन नहीं, आपने इसमें लेमन जूस ही ऐड करना है, विनीगर ऐड नहीं करना। इसी के साथ हमने इसमें ऐड की है 3 सब्ज़ मिर्चें बारीक कट करके, ये ऑप्शनल है, अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप ऐड कर लें, अगर नहीं भी करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे देखिए बैंगन डालने के बाद हमने इसकी 5 मिनट भुनाई की है, ये सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। बहुत ज़्यादा अभी हमने इसे नहीं गला देना क्योंकि अभी हमने इसमें आलू ऐड करने हैं। 2 बड़े साइज़ के आलू हमने स्किन उतार के अच्छी तरह पानी से वॉश करके क्यूब्स में कट कर लिए है। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की कटिंग चाहिए। आलूओं को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक हमने इसकी भुनाई करनी है। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी, कलौंजी ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, इससे टेस्ट अच्छा आएगा, और अगर नहीं भी करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। अब इसे एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हमने इसमें ऐड करना है 1/2 कप पानी, 1/2 कप ऐड करेंगे, अभी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करके इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। एक बार हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हमने इसे कवर करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे, बीच बीच में हमने इसे हिलाते रहना है ताकि ये साथ ना लगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, अब हमने इसे कवर करना है। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट तक हमने इसे कुक किया है कवर करके, बीच बीच में हमने इसे हिलाया है ताकि ये साथ ना लगे, और एक दफ़ा इसे अच्छी तरह मिक्स करते हैं। इसके बाद हमने इसमें 1/2 कप पानी और ऐड करना है क्योंकि पहला पानी हमारा खुश्क हो गया है और अभी तक हमारी सब्ज़ी गली नहीं है। एक बार में ही हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे 1/2 कप, अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं इसे, और इसकी अच्छी तरह हमने भुनाई करनी है 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पे देखिए आलू बैंगन की सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी है, 5 मिनट तक हमने इसे मीडियम फ्लेम पे कुक किया है। आलू भी सॉफ्ट हो गए हैं और बैंगन भी सॉफ्ट हो गए हैं, आप बीच में इसे चेक कर लीजिएगा,
अगर तो आलू सॉफ्ट हो गए हैं इसका मतलब आपकी सब्ज़ी कम्प्लीटली कुक है, अगर नहीं हुए तो आप थोड़ी देर इसे और कुक कर लें पानी डाल के। और यहाँ पे आलू हमारा इजीली टूट गया है, इसका मतलब हमारी सब्ज़ी जो है कम्प्लीटली रेडी है। अब हमने इसके ऊपर डाल देना है सब्ज़ धनिया, कलवंजी थोड़ी सी ऐड कर लें इसमें अगर आप करना चाहते हैं तो, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, हमें सबको बहुत पसंद है इसलिए हम ज़रूर ऐड करते हैं। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप इसे रोटी के साथ इंजॉय करें, चावलों के साथ इंजॉय करें, लेकिन हम ज़्यादा चावलों के साथ बनाते हैं। जीरे वाले चावल हम इसके साथ बनाते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत मज़ा आता है इनके साथ। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।